आज हम पाइनएप्पल फ्लेवर स्लाइस केक बनाएंगे। एकदम बेकरी स्टाइल स्लाइस केक बनाने में भी आसान और घर के ही रखे कुछ सामान से बन के रेडी हो जाती। इतना सॉफ्ट और ये टेस्टी ये स्लाइस केक बनते हैं और बनाने में तो एकदम आसान है, उतनी ही टेस्टी और एकदम यम्मी, ऐसे लाजवाब। आप इसे एक बार खाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे, इतने ये टेस्टी बनते हैं। और बेकरी से भी बहुत ही सस्ते में हम लोग घर में बना सकते हैं, वो भी बिना ओवन भी। एगलेस केक बहुत ही यम्मी एंड सॉफ्ट ऐसे केक, देखिए आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा केक एकदम सॉफ्ट बना है, एकदम बेकरी स्टाइल बना है ये केक। घर में आसानी से बना सकते हैं, अगर कोई नया बनाने वाले है केक वगैरह तो वो भी आसानी से बना सकते हैं। इतना ये केक एकदम स्लाइस केक इजी बना सकते हैं। और अभी न्यू ईयर क्रिसमस है आने वाले है तो इस टाइम ये आप केक बनाइए और सबको खिलाइए, सब पूछेंगे आपको कि ये केक आपने कैसे बनाए हैं। इतना ये एकदम बेकरी जैसे ही, देखिए एकदम टेक्सचर वगैरह इसका बेकरी जैसा ही है पर स्वाद में एकदम बेकरी से भी लाजवाब है। तो देखते हैं कैसे बनाना है ये स्लाइस केक। इससे पहले भी मेरे चैनल पे अय्यंगार बेकरी स्टाइल मावा केक है, विदाउट मावा केक कैसे बनाना है उसकी रेसिपी है, रवा केक है, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो वो आप देख सकते हैं। तो अभी केक बनाने के लिए हमें ज़रूरत है एक बाउल की, और इसमें हम लोग लेंगे 1/4 कप मेल्टेड बटर। तो बटर को थोड़ा मेल्ट करके रूम टेम्परेचर पे लाना है और उसमें डालेंगे 1/4 कप जितना ऑयल, रिफाइंड ऑयल। तो इसकी जो बटर की जगह आप बटर नहीं यूज़ करना है तो 1/2 कप फिर ऑयली ले सकते हैं, और 1/2 कप हम लोग उसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। और अभी ये मैंने इलेक्ट्रिक बीटर लिया है, उससे बीट करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह विस्कर से भी बीट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक बीटर से जल्दी से बीट हो जाता है, इसके लिए मैंने इसका यूज़ किया है। देखिए 1-2 मिनट के लिए हमें अच्छी तरह से बीट करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप रूम टेम्परेचर वाला फ्रेश कर्ड दही। तो दही मिला के भी अभी ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको एक का केक बनाना है तो आप इस दही के जगह इस समय आप 1-2 केक एक फोड़ के डाल सकते हैं और बीट करेंगे। तो अभी अच्छी तरह से बीट करना है हमें ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे, कि कितना अच्छे से जल्दी से बीट हो जाता है इलेक्ट्रिक बीटर से। तो अभी सब बीट होने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो 1 कप मैदा मैंने इसे छान लिया है, इसे ऐड करेंगे और इसे भी एक साथ बीट कर लेंगे। अगर मेरी दिखाई हुई रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकॉन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। देखिए अच्छी तरह से बीट हमें करना है, एकदम अच्छी तरह से फेंटना है। जितना ये फ्लफी बैटर होगा उतना ही हमारा केक अच्छी तरह से फ्लफी होगा, सॉफ्ट होगा। तो देखिए अच्छे से बीट हो गया है, तो अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1/2 TSP बेकिंग पाउडर एंड 1/4 TSP बेकिंग सोडा, और साथ में ही 2 TSP मैंने 2 चम्मच रूम टेम्परेचर वाला दूध ऐड किया है मिल्क, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मिश्रण गाढ़ा लग रहा था तो बस उसके लिए मैंने 2 चम्मच ही इसमें दूध और ऐड किया है। बाकी सब मटेरियल जितना मैंने आपको बताया उतना ही लेना है, और मेजरमेंट के लिए आप घर का कोई भी कप ले लीजिए, उसी से सारे मेजरमेंट लेंगे ना तो आपका भी केक एकदम परफेक्ट फ्लफी बनेगा। अभी ये हमारा मैदा डाल के अच्छी तरह से बीट हो चुका है, तो अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे फ्रूट क्रश। तो यहाँ पे मेरे पास पाइनएप्पल फ्रूट क्रश है, आपके पास जो भी फ्रूट क्रश है वो आप यूज़ कर सकते। कभी कभी घर में फ्रूट क्रश बच जाते हैं, लाते हैं हम लोग मार्केट से वगैरह, तो उसका इस्तेमाल करके आप एकदम यम्मी ऐसे ये केक बना सकते हैं। आपको जो फ्लेवर पसंद हो उस हिसाब से आप केक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल फ्रूट पल्प लिया है क्रश, उसके साथ ही मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल इमल्शंस लिया है। अगर पाइनएप्पल इमल्शंस नहीं है आपके पास तो 1/2 TSP पाइनएप्पल इसेंस और येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं।
इमल्शंस मतलब क्या होता है कि उसमें इसेंस और कलर दोनों एक साथ होते हैं। अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम लोग। देखिए कलर कितना बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ में मैंने गैस पे एक पतीला गरम करने रखा है, एकदम लो फ्लेम पे हमें 5 मिनट के लिए प्री हीट करना है। और अभी बटर पेपर भी मैंने एक टिन को लगा लिया है। अगर बटर पेपर नहीं लगाना है आपको तो आप टिन को बटर से ग्रीस कर लीजिए और थोड़ा सा मैदा डस कर लीजिए, उससे भी आपका केक इजीली आप इसमें बन जाएगा और निकल जाएगा। तो पूरा बैटर जो है हमें केक टिन में डाल देना है। एक 2-3 बार ऐसे टैप करेंगे ना, उसमें जो भी बबल्स वगैरह है तो वो निकल जाएंगे। और इसे पैक करना है तो पतीली पहले 5 मिनट प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें रखेंगे केक टिन और उसे ढक के हमें कम से कम 30-40 मिनट्स बेक करना है। 35-40 मिनट्स, 35 मिनट्स के बाद हम लोग चेक करके देखेंगे बराबर केक बेक हुआ है कि नहीं। तो अभी 35 मिनट्स हो चुके हैं तो हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं छुरी वगैरह आप या कोई भी टूथपिक ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नाइफ़ ले रही हूँ और उसे हम लोग चेक करेंगे। अगर नाइफ एकदम क्लियर निकली तो यानी हमारा केक पूरी तरह से बेक हो गया है। 35 मिनट्स में ही हमारा केक बेक हो चुका है। तो इसे अभी पूरा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसके स्लाइस कट करेंगे। तो देखिए केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है एकदम कंप्लीट, इसके बाद ही हम लोग इसके स्लाइस कर केक कट करेंगे। तो देखिए कितना फ्लफी ये हमारा केक बना है, एकदम बेकरी में मिलते हैं वैसे ही स्लाइस केक हमारा बनके रेडी हो गया है। अब ये कट करते समय ही आपको समझ में आ रहा होगा कि केक एकदम सॉफ्ट और फ्लफी, वो भी बिना ओवन के एगलेस केक हम लोगों ने बनाया है एकदम इजीली। और एक बेकरी से भी बहुत ही सस्ता ये केक हम लोग घर में बना सकते हैं। देखिए एकदम बेकरी जैसे ही केक हमारा घर पे बना है तो ज़रूर बनाइए अभी ये न्यू ईयर या क्रिसमस पार्टी में, और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ ये इतना टेस्टी और यम्मी ऐसे पाइनएप्पल फ्लेवर वाला स्लाइस केक। और आपको जो भी मावा केक, सूजी का केक, उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं और बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ इतना ये टेस्टी यम्मी ऐसे स्लाइस केक। और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि ये केक आपको कैसे लगा। और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप फ्रेंड सर्कल में शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसकी वजह से वो भी ये इतने अच्छे अच्छे रेसिपी देख सकते हैं।